मध्य प्रदेश में 24 अप्रैल को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश की 3 लोकसभा सीटों पर आ रहा है। एक सागर है, बैतूल है और भोपाल है। सागर इसलिए आ रहा है, वहाँ पर जनसभा करेंगे, तो बैतूल के हरदा में भी जनसभा करेंगे। खास बात यह है कि सागर दलित वर्ग का क्षेत्र है, वहाँ पर दलित वर्ग को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साधेंगे, तो वही बैतूल का जो हरदा है वहाँ पर कांग्रेस के विधायक है, इसलिए हरदा क्षेत्र में जनसभा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे। तो भोपाल हाई प्रोफाइल सीट है, जहाँ पर 2019 में दिग्विजय सिंह कांग्रेस से, तो साध्वी प्रज्ञा ठाकुर भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ी थी। इन दोनों प्रत्याशी यानी कांग्रेस और बीजेपी दोनों के प्रत्याशी को इस बार टिकट काट दिया गया और नए चेहरों को भोपाल लोकसभा सीट पर प्रत्याशी बनाया गया। जिस तरह से भोपाल से आलोक शर्मा है, जो 2 बार से विधानसभा चुनाव हार गए हैं, उनको भोपाल लोकसभा सीट से प्रत्याशी बनाया गया है। उनके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल में रोड शो करने आ रहा है 2 किलोमीटर दूर। भोपाल की पुरानी विधानसभा के पास इस चौराहे से लाल परेड ग्राउंड से रोशनपुरा न्यू मार्केट तक 1.5 से 2 किलोमीटर तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो करेंगे, जिसकी भव्य तैयारी की जा रही है। दोनों ओर आप देख सकते हैं रोड के दोनों ओर बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं। फिलहाल ये आबादी वाला क्षेत्र नहीं है, लेकिन यहाँ पर कमर्शियल बनाया जा रहा है। यहाँ पर जो भोपाल लोकसभा क्षेत्र के मतदाता हैं, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखना आएंगे, उनके स्वागत करेंगे, इसलिए यहाँ पर बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं। पुलिस प्रशासन की चाक चौबंद व्यवस्था की जा रही है। बताया जा रहा है 3,000 से अधिक यहाँ पर पुलिस बल तैनात किया जाएगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 अप्रैल को देर शाम के टाइम भोपाल के अंदर आलोक शर्मा जो प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनके लिए यहाँ पर मतदाताओं के बीच में आएंगे, अभिनंदन करेंगे, उनके लिए वोट भी मांगेंगे। यानी कि ये हाई प्रोफाइल सीट है भोपाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 1.5 से 2 किलोमीटर जो रोड शो रहेगा भोपाल के ये न्यू मार्केट में आकर समाप्त हो जाएगा, लेकिन जो प्रशासन और भारतीय जनता पार्टी की जो तैयारी है, जो जोर शोर से चल रही है, आप देख सकते हैं जस्ट मेरे पीछे ये न्यू मार्केट में मौजूद हूँ। यहाँ पर बीच में ये पेड़ आ गया था, नीम का पेड़ है, जिसमें जो पत्ते हैं ये टहनियाँ उनको काटा जा रहा है, यानी कि सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए जा रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहाँ पर रोड शो होना है। एसपी जी ने पूरी तरह से जो ये भोपाल लोकसभा सीट में के भोपाल के अंदर जो 2 किलोमीटर का रोड शो है, उस रोड शो के अंतर्गत न्यू मार्केट से लेकर पुरानी विधानसभा तक का एसपी जी ने पूरी मॉनिटरिंग उनके हाथों में ले ली है, लगातार मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। यानी कि आप देख सकते हैं जो तैयारों की भारतीय जनता पार्टी बात कर रही है, यानी कि जो रोड शो होगा यहाँ पर आदिवासी संस्कृति वेशभूषा के तमाम जो कार्यकर्ता वो आएंगे, उनके लिए मंच भी सजा दिए गए हैं यहाँ पर, और यहाँ पर फूलों की बरसात भी की जाएगी। यानी प्रधानमंत्री जब भोपाल में रोड शो करेंगे उस दौरान तो यहाँ पर तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे, और जो प्रधानमंत्री मोदी के दर्शक हैं, लोकप्रिय हैं, उनके लिए यहाँ पर लोग आएंगे और फूलों से उनका स्वागत करेंगे। यानी कि विधानसभा चुनाव 2023 में भले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो नहीं हो पाया भोपाल के अंदर, लेकिन अब 2024 में जो लोकसभा चुनाव का संकनाद है और भोपाल लोकसभा सीट हाई प्रोफाइल है। हाई प्रोफाइल भी इसलिए है क्योंकि 2019 में दिग्विजय सिंह कांग्रेस से यहाँ चुनाव लड़ रहे थे और भारतीय जनता पार्टी से साध्वी प्रज्ञा चुनाव लड़ी थी। दोनों दिलचस्प उस 2019 में जब चुनाव हो रहा था दिलचस्प चुनाव था, पूरे मध्य प्रदेश में इस सीट पर निगाह रखी जा रही थी, लेकिन अब ये सीट क्योंकि कमज़ोर होती इसलिए जा रही है। फिलहाल तो ये 4 जून के दिन रिजल्ट आएगा तभी पता चलेगा, लेकिन यहाँ से आलोक शर्मा को मैदान में उतारा गया है। 2 बार से वो विधानसभा का चुनाव हार गया है। इसी को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल में रोड शो करने आ रहा है। कैमरामैन होमेन देशमुख के साथ एबीपी न्यूज़ के लिए भोपाल से नितिन ठाकुर।